के महकमे की गाड़ियों से डीजल कौन चोरी करता है, ये जानने के लिए पीएचई की गाड़ियों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला कर लिया गया। टेंडर जारी होने के बाद 80 गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। तफसीलात के लिए मजीद बात करेंगे शेख जैन उल आबिदीन से। शेख जैन, सिस्टम तो नया लग रहा है, चोर पकड़े जाएंगे क्या? वक्त जो नई इंतजामिया है पीएचए की, उसको इस हवाले से शिकायत मौसूल हो रही है कि पीएचए की जो फील्ड की गाड़ियां हैं उनसे रोजाना की बुनियाद पर डीजल चोरी करके फरोख्त किया जा रहा है। ताहम अब इस चोरी के ऊपर काबू पाने के लिए ये पीएचए इंतजामिया की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है और पहली बार जो पीएचए की फील्ड में काम करने वाली गाड़ियां हैं उनमें व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इस सिलसिले में 80 गाड़ियों की अभी तक निशानदेही की गई है। में ये इब्तदाई तौर पर ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए जो गाड़ियों की कारकर्दगी है और जिस भी जगह पर ये गाड़ियां फील्ड में मौजूद होंगी उसका जो तमाम तर निशान रही है वो बजरिया कंप्यूटर सिस्टम जो पीएचए की इंतजामी है उसको मसूल होगी और जिस भी जगह पर गाड़ी ज्यादा अर्थे तक खड़ी रहेगी उस हवाले से भी उनको जो निशानदेही है वो कर दी जाएगी। इस सिलसिले में चेयरमैन पीएचए सजय यासर गिलानी ने 2 कंपनियों से मुलाकात भी कर ली है। ताहम जल्द ही इसका टेंडर जारी करके जो कंपनी है उसको ठेका अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये फैसला कर लिया गया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन गाड़ियों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को नष्ट कर दिया जाए ताकि इस डीजल ठीक है 80 गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। शेख जैन, बहुत शुक्रिया आपका।